सही है। अब हम कुछ छोटी छोटी टर्म्स में आ जाते हैं जो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैंने लिखा हुआ है मेंटल डेंटिन, फी डेंटिन, सरकम्फ्रेंशियल डेंटिन और इंट्राजुबिलर डेंटिन। सही है। अब बेसिकली जब हमारे पास डेंटिन फॉर्म होता है ना तो उसकी मिनरलाइजेशन जगह जगह पे हमारे पास डिफरेंट होती है, ठीक है। ओडोन्टोब्लास्ट की एक्टिविटी की डिफरेंस की वजह से हमारे पास जगह जगह पर डिफरेंट डिग्री ऑफ मिनरलाइजेशन का हमारे पास जो है वो डेंटिन फॉर्म हो रहा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इसको पढ़ते हैं, सही है। अच्छा, ये हमारे पास इनेमल है, ये हमारे पास डेंटिन है, ये हमारे पास बीच में पल्प चैम्बर्स और पल्प कैनाल है। तो सबसे पहले हमारे पास पढ़ लेते हैं मेंटल डेंटिन। मेंटल डेंटिन होता क्या है, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास अमीलोब्लास्ट जो है वो हमारे पास इनेमल सिक्रीट करते हैं, तो वो सिक्रीट करते करते ऊपर जाते रहते हैं और इनेमल नीचे नीचे फॉर्म होता रहता है। लेकिन जब भी हमारे पास ओडोन्टोब्लास्ट डेंटिन सिक्रीट करते हैं ना तो हमारे पास एक लेयर बनती है, फिर उस लेयर के ऊपर दूसरी लेयर बनती है, तो तीसरी लेयर, जो पहली लेयर बनती है ना वो हमारे पास यहीं पर रहेगी, वैसे नहीं होगा कि वो भी हमारे पास नीचे जाती रहेगी। तो जो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म लेयर होती है ना हमारे पास, वो हमारे पास क्या होती है, मेंटल डेंटिन। तो जो सबसे पहली डेंटिन की लेयर बनती है ना वो हमारे पास क्या कहलाती है, वो हमारे पास कहलाती है मेंटल डेंटिन। और ये क्योंकि फर्स्ट फॉर्म लेयर होती है इसलिए इसमें मिनरलाइजेशन भी थोड़ी कम होती है, तो ये हमारे पास लेस मिनरलाइज होती है। मेंटल लेयर के बाद हमारे पास, अब उसके बाद जो है हमारे पास डेंटिन जो है वो सिक्रीट हो रहा है, तो हमारे पास इसके नीचे जितना डेंटिन फॉर्म हो रहा होगा ना वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो हमारे पास कहलाएगा सिरकम पल्पल डेंटिन। यानी ये पूरा डेंटिन जो बाकी डेंटिन हमारे पास फॉर्म हुआ है ना वो हमारे पास क्या कहला रहा है, वो हमारे पास कहला रहा है सिरकम पल्पल डेंटिन, ठीक है। और डेंटिन जब आखिर में हमारे पास यहाँ पे ओडोन्टोब्लास्ट से हमारे पास पल्प की पेरिफेरी में पहुँच गए, तो जो पल्प की पेरिफेरी में जो ये डेंटिन सिक्रीट करता है, जो बेसिकली हम इसको एक और कहते हैं कि इनर मोस्ट लेयर ऑफ डेंटिन, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्री डेंटिन। और ये हमारे पास थोड़ी पेल अपीयरेंस की लेयर प्रेजेंट होती है, सही है। और ये हमारे पास जो है थोड़ी लेस मिनरलाइज होती है, ठीक है। वही शुरू की हमारे पास जो है ज़्यादा मिनरलाइज होती है, और शुरू की भी लेस मिनरलाइज होती है और आखिर की भी लेस मिनरलाइज होती है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इंटरग्लोबुलर डेंटिन के, व्हाट इज़ द इंटरग्लोबुलर डेंटिन। देखिए ये इंटरग्लोबुलर डेंटिन हमें किसी क्लिनिकल पिक्चर में नज़र नहीं आएगा, ये हमें तभी नज़र आएगा जब हम अपनी डेंटिन का जो है हम रेडियोग्राफ या ओपीजी में अगर हम देखेंगे तो हमें नज़र आएगा। ये हमें नज़र कैसा था, देखिए पहले आप एक और बात समझिए कि हमारे पास जो रेडियोग्राफ होता है, जैसे अगर अभी आप, ठीक है, अगर आप ही आपके सामने एक पिक्चर आ रही है उसमें आप देख रहे हैं कि वो एक एक्सरे पिक्चर है, रेडियोग्राफ की पिक्चर है, उसमें आपको ब्लैक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं और वाइट स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं। देखिए ये हमेशा याद रखें कि जो भी चीज़ मिनरलाइज्ड होगी ना वो आपको ज़्यादा वाइट नज़र आएगी, और जो चीज़ लेस मिनरलाइज होगी वो आपको क्या नज़र आएगी, वो आपको ब्लैक नज़र आएगी। तो एक्सरे में जब भी कोई चीज़ वाइट नज़र आए तो आप समझ जाएँ कि वो हमारे पास मिनरलाइज है, वो हमारे पास हार्ड है, उसमें हमारे पास इनऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा है क्योंकि वो मिनरलाइज और वो हार्ड टिश्यू बन गया है। और अगर कोई चीज़ ब्लैक नज़र आ रही होगी तो उसका मतलब है वो आपके पास सॉफ्ट टिश्यू है। अब हमारे पास जब डेंटिन डिपॉजिट होता है तो डेंटिन हमारे पास ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में डिपॉजिट होता है, फिर आगे जाके ये ग्लोब्यूल्स मिलते हैं और हमारे पास जो है वो क्या हो रहा होता है, डेंटिन सिक्रीट हो रहा होता है। अब चूंकि जैसे हमारे पास डेंटिन सिक्रीट होता जाएगा तो ये हमारे पास एक हार्ड टिश्यू बन जाएगा, जब हम उसका रेडियोग्राफ करेंगे तो हमारे पास ये वाइट नज़र आएगा, ठीक है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि ये ग्लोब्यूल्स जो हैं हमारे पास मर्ज नहीं हो पाते हैं, इनमें जो है हमारे पास इनके अटैचमेंट में फेलियर हो जाता है और ये हमारे पास आपस में इनकम्प्लीट अटैचमेंट हो जाती है इनमें, ठीक है। तो जब इनमें इनकम्प्लीट अटैचमेंट होगी तो आप देख रहे हैं कि इनके बीच में स्पेस खाली, यानी मिनरलाइजेशन यहाँ पे हुई नहीं, तो ये हमारे पास क्या नज़र आएगा, ये हमारे पास हाइपर मिनरलाइज नज़र आएगा। जब हम इसको एक्सरे में देखेंगे ना तो ये हमें ब्लैक कलर के नज़र आएंगे, ठीक है। आपकी बुक में वर्कवेश में भी ऐसे बहुत सारे डायग्राम्स मौजूद हैं जिनमें आपको इंट्राग्लोबुलर डेंटिन जो है बहुत अच्छा दिखाया हुआ है, तो उसमें जो ब्लैकिश एरिया है ना, वो ब्लैकिश एरिया जो है आपके पास हमारे पास वो है इंटरग्लोबुलर डेंटिन, यानी यहाँ पे जो है इन ग्लोबुल्स की जो अटैचमेंट जो है वो इनकम्प्लीट है, कम्प्लीट नहीं हो पाई, तो जिसकी वजह से वो एरिया जो है हमारे पास हाइपोमिनरलाइज और लेस मिनरलाइज और लेस कैल्सीफाइड हो गया है, जिसकी वजह से वो आपको एक्सरे में या ओपीजी ग्राफ में आपको ब्लैक नज़र आ रहा है।